हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन। आई नो इट्स वेरी कॉमन टॉपिक, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। बहुत सारे लोग ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं ध्यान कब स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, किस अवस्था में बैठ कर करूँ, मतलब ज़्यादा देर आँख बंद करके रह ही नहीं पाते हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, और एट लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कभी बैठे हो, भीड़ हो, साउंड हो बहुत ज़्यादा, और आप कहीं खो गए हो, फिर आपके दोस्त ने चुटकी मार के बोला अरे भाई साहब कहाँ खो गए, या अरे बहन कहाँ खो गई। आपको लगा कि अरे नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि इतने ज़्यादा साउंड होने के बाद में, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद में आपका ध्यान ऐसे कहाँ चला गया था कि आपको इतनी भीड़ का भी एहसास नहीं था, आपको इतना शोरगुल भी नहीं सुनाई दिया? नहीं सोचा होगा। ये जो ध्यान रहता है वो बहुत ही नेचुरल ध्यान है। हम सबको खुद ही नहीं पता चलता कि हम कई बार नेचुरली भी ध्यान में चले जाते हैं। हमको लगता है नहीं, ये यूं ही है। और जब हम खुद को एक अवस्था में, लाइक पालथी वगैरह मोड़ कर, उसके बाद प्रॉपर ऐसे हाथ रख कर, जब उस समय हम मेडिटेट करते हैं आँख बंद करके, वो हम खुद को ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं फोर्सफुली, जबकि कई बार हम नेचुरली भी ध्यान में चले जाते हैं। दोस्तों, एक बार मैं ओशो जी की बुक पढ़ रही थी, उसमें एक वाक्य ऐसा था कि एक इंसान उनसे पूछ रहा था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे हर वक्त उसके ख्याल आते हैं, उसको मैं सपने में देखता हूँ, आँख बंद करता हूँ तो वही दिखाई देती है। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मैं जब भी ध्यान करने के लिए बैठता हूँ मुझे उसी का चेहरा नज़र आता है, मैं किसी और चीज़ पर ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाता। तो ओशो जी का क्या जवाब था पता है? कि आप क्यों किस उस चीज़ से ध्यान हटाने की कोशिश करते हो जो कि नेचुरली आपके ध्यान में है? आप क्यों उस चीज़ को हटाकर किसी दूसरे ध्यान को ज़बरदस्ती आप अपने मेडिटेशन में, अपनी इमेज में, अपने माइंड में लाने की कोशिश करते हो? आप अपनी पत्नी पर ही ध्यान लगाइए, इससे आसान तरीका ध्यान करने का क्या होगा? तो उसने जब वो चीज़ की धीरे धीरे, क्योंकि देखो ये नेचुरल सी चीज़ है, लाइक साइंस भी मानता है, साइकोलॉजी भी मानती है कि आप जब किसी भी चीज़ से दूर भागने की कोशिश करते हो आप उसी चीज़ को एक तरीके से अट्रैक करते हो। तो सिंपल सी बात है, जो कि नेचुरली चीज़ें आपके पास में हैं आप उसी का इस्तेमाल करो। जब भी आप का जो शरीर रहता है, जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हो तो आपसे बोला जाता है कि प्रॉपर साफ सुथरी जगह पर, एक एकांत जगह पर आप बैठो, और आपकी पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आरामदायक हो, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखो, आंखें बंद करो, क्योंकि आंखें इसलिए बंद करने के लिए कहा जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक सोर्स की तरह काम करती है। अगर आप ऑलरेडी दिमाग से कोई चीज़ ध्यान, मतलब आप अपने दिमाग को खाली कर रहे हो, दिमाग से विचारों को हटा रहे हो, और जब आप एक चीज़, आपके पास एक बकेट रखी हुई है, आप उसमें से एक चीज़ निकालते जा रहे हो, दूसरी चीज़ डालते जा रहे हो, तो क्या कभी वो बकेट खाली होगी? नहीं होगी। वैसे ही जब आपका आँख खुली हुई है तो आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हो और दिमाग से सोचो इन्फॉर्मेशन निकलती भी जाएगी। तो ऐसा इसलिए आपको बोला जाता है कि आँखें बंद करो, बट ये कोई यूनिवर्सल वे नहीं है, ठीक है? कोई भी वे यूनिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो जो दिमाग है, इवन आप किसी चीज़ को टच भी करते हो तो सबसे पहले जो सिग्नल रहता है वो हमारे दिमाग को मिलता है। इस वजह से बोला जाता है कि आप सारे जो सिचुएशंस को कंफर्ट में लेके जाओ, लेकिन जब हम नेचुरली ध्यान में जाते हैं तब ना हमको कंफर्ट का ख्याल रहता है, कभी कभी हम आंखें खोले खोले भी ध्यान में चले जाते हैं। तो इन सब से क्या निकल के आता है कि आपको मेडिटेशन में जाने के लिए, अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर पोजिशन में आँख बंद करना ये ठीक है, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैफिक में ही टाइम लग रहा है, आप तब भी ध्यान कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में बैठे हो आप तब भी ध्यान कर सकते हो, आप आंखें खोल कर भी ध्यान कर सकते हो। देखो, एक मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसका मेरा कोई वो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसमें बिगनर्स की, उसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनिमेटेड तरीके से दिखाया गया है, ध्यान की शुरुआती चरण से लेके ध्यान के आखिर चरण तक। तो अगर आप उस एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ध्यान काम कैसे करता है हमारे अंदर, जब हम मेडिटेट करते हैं तो वर्क कैसे करता है।
लेकिन अगर आपके पास में वो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में उसमें जाना, क्योंकि उसमें केवल ध्यान की प्रोसेस दिखाई गई है, आप कब कैसे ध्यान कर सकते हो वो ऐसे नहीं बताया गया है। अगर मान लीजिए आप कार पे जा रहे हो, ठीक है, आप सांसें तो हर वक्त लेते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बिजी हो तो आप सांस लेना बंद कर दो। अगर हम किसी ऐसी चीज़ पे अपना ध्यान लगा लें जो हमेशा हमारे पास रहती है, या जो क्रिया कभी बंद ही नहीं कर रहे हैं हम, तो हम कभी भी कहीं पर भी ध्यान लगा सकते हैं, राइट। उसमें भी यही बताया गया है कि आपको, और इवन मैक्सिमम टेक्निक्स जो हैं मेडिटेशन की, उसमें यही बताया जाता है कि आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। अब सांसों पे ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा सांस लो, जो आपकी नेचुरल ब्रीथ है आपको उस पर ही ध्यान लगाना है। अब वो अगर आप टेबल पर बैठ के कुछ काम कर रहे हो, आपने ब्रेक लिया, आप 2 मिनट के लिए आँख बंद करके अपनी 6, 8, 10, 20, 30 जितना भी आप डिसाइड करो उतना आप मेडिटेट कर सकते हो। आप 2 मिनट भी अगर मेडिटेट करते हो वो भी कम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधे पौन घंटे करो, आपका स्मॉल अमाउंट भी मैटर करता है। तो अगर आप दिन में 3, 4, 8 सेशन भी ले लेते हो, इवन 2-3 मिनट के भी, तो भी ये बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर आप कार में जा रहे हो या किसी भी वाहन से जा रहे हो, आपने देखा ट्रैफिक है, ज़रूरी नहीं आँख बंद करो, आँख खोल कर आप अपने केवल फोकस करो अपने सांसों पे। देखो इससे क्या, एक ये प्रैक्टिस इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप जो सोर्स गेन करने के लिए जो सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उस पर आपका कंट्रोल अच्छा होगा। क्योंकि आप जब ऑलरेडी लोगों से घिरे हुए हो, साउंड से घिरे हो, स्टिल आप एक ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप वो आँख बंद करके मेडिटेशन से एक कदम ऊपर ही हो। तो आप ऐसे आँख खोल के भी, ज़्यादा ही है तो आप अपनी पलकें नीचे कर लो जिससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई दें, और सिंपल, और जो विचार हैं उनको सोचो मत, उनको बस जाने दो। जैसा हम मूवी देखते हैं ना, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको देखो और उनको जाने दो, उनको देखो उनको जाने दो, उन पे होल्ड मत करो कि अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, ये सोचना मना है मेडिटेशन में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो विचार आ रहे हैं उनको जाने दो, ध्यान रखो अपनी सांसों पे। हाँ, आपके साथ भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि कोई एक पर्सन है या कोई एक चीज़ है जिससे आपका ध्यान नहीं हट रहा है, तो बेशक आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हो। आप ऐसे ब्रीदिंग पे फोकस करते करते भी वो चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है तो उसको भी आने दो, उसको रोकना नहीं है, उसको भी आने दो, आएगी वो चीज़, कुछ समय तक रुकेगी, चली जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, आपकी डेली प्रैक्टिस से आप कभी भी कहीं पर भी मेडिटेट कर सकते हो। एक ये टेक्निक है, और एक त्राटक जिसको बोलते हैं, कि आप एक दीवार पे पॉइंट बनाओ, उस पे आप देखो 10 मिनट, या फिर एक आप दीपक जलाओ या फिर कैंडल चलाओ, उसकी लौ में आप देखो 10 मिनट, सब कुछ ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पर हो, अगर आप सिग्नल पे खड़े हो ना, वहाँ पे रेड लाइट है, आप उसको ही 1 मिनट का तो सिग्नल रहता ही, आप उसको ही 1 मिनट तक ऐसे कंटिन्यू देख लो, आपका 1 मिनट का त्राटक तो वैसे ही हो गया। अगर आप कहीं और हो, आप अगर ऑफिस में हो, घर पे हो, कोई भी एक चीज़ जो सामने रखी है, आप जब तक उस पर देख सकते हो ध्यान केंद्रित करके, उसके आसपास, जैसे अर्जुन को नहीं, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, उस तरीके से कोई एक चीज़ पकड़ो और उस पर फोकस करो। कोई मतलब नहीं उसके आसपास क्या, वो चीज़ कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं हो कि बिल्कुल वो रेड कलर की एक बिंदी हो, डॉट हो, या फिर बिल्कुल वो कैंडल की लाइट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो चीज़ दिख रही है आप उस पर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ज़रूरी नहीं 10 मिनट तक बैठो, धीरे धीरे करके आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा, खुद ही आप इस चीज़ के लिए समय निकालने लगोगे। जब कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है तो आप उसके लिए समय निकालने लगते हो। तो जब आप ये धीरे धीरे आप इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, लाइक आप कहीं पे भी 1-2 मिनट की ब्रीथिंग टेक्निक या 1-2 मिनट का आप त्राटक टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, उसके ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना डेली 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 1-2 मिनट 1-2 मिनट, उससे क्या होगा, आपकी
सेंसेस तो सही हो ही जाएंगे, आपका कंट्रोल सेंसेस पे बन जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको खुद ही एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आने लगेगी, तो आप इसके लिए अलग से टाइम निकालोगे कि अरे नहीं अब मुझे 5 मिनट तो करना ही करना है या मुझे 10 मिनट तो करना ही करना है। उसके लिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं से आँख बंद नहीं हो रही, क्योंकि आप उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो यही मुझे आपको बताना था, और आई होप कि आपको चीज़ों के बारे में समझ आया होगा, क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अगर आपको जो भी जैसा भी लगता है, आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट पे ज़रूर बताना। मैंने कोरोना से रिलेटेड भी 2 वीडियो डाली है, लाइक कोरोना फोबिया क्या है, आपको कोरोना के सपने वगैरह तो नहीं आते हैं इस तरीके से, तो वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ आई बटन पे शो होगा ऊपर, वहाँ पे देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वो देख सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज भी, अगर आप साइकोलॉजी के कुछ फैक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो तो आप, मैं पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी पेज को लाइक कर सकते हो। तो आपको ऐसे डेली में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह मुझसे जुड़े रहेगा। बाय।